नमस्कार, गाजीपुर की टॉप 5 खबरों की बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। जखनिया की भुड़कुरा पुलिस ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए एक युवक को 500 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया। दरोगा हीरामणि यादव ने सुबह 7:30 बजे सुबह इब्राहिमपुर नहर पुलिया के पास से अभियुक्त को दबोचा। पूछताछ में उसने अपना नाम ग्राम इब्राहिमपुर थाना भुड़कुरा निवासी पवन यादव पुत्र श्वेती यादव बताया। तलाशी में 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ। थाना लाकर पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। दिलदार नगर थाना पुलिस ने गुरुवार को सुबह स्थानीय रेलवे स्टेशन के पास से गैंगस्टर एक्ट के वांछित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक कमलेश पाल हमराहियों के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील थे। इसी दौरान सुबह करीब 8 बजे दिलदार नगर रेलवे स्टेशन के पास गैंगस्टर एक्ट के वांछित को गिरफ्तार किया। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि गिरफ्त में आया अभियुक्त राम परीखा का भट्टा थाना जमनिया निवासी बबलू रावत उर्फ पिंटू है। संबंधित धाराओं में उसका चालान कर दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में कांस्टेबल मंगल यादव और कांस्टेबल सत्येंद्र यादव शामिल थे। कोतवाली पुलिस ने बुधवार को बाइक चेकिंग के दौरान 2 शातिर चोरों को पकड़ने में सफलता पाई है। उनके पास से चोरी की कई मोबाइल व तमंचा व कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। जमनिया पुलिस ने गुरुवार की सुबह क्षेत्र के सेंट मैरिज स्कूल पुलिया हेतिमपुर के पास 2 संदिग्ध युवक बाइक से आने पर रोके। तलाशी में 315 बोर का एक तमंचा एक कारतूस मिला तो पास में चोरी की कुल 11 मोबाइलें बरामद की। पूछताछ में पता चला कि इन मोबाइलों को बिहार बेचने के लिए जा रहे थे। चोरों की बाइक भी चोरी की थी। उन्होंने अपना नाम और पता क्षेत्र के मत्सा निवासी मन्नू चौधरी और मंझरिया निवासी सतीश जायसवाल उर्फ बिगाड़ू बताया। यह दोनों युवक ट्रेनों व भिन्न भिन्न स्थानों से मोबाइल चुराकर बिहार ले जाकर बेच देते थे। गहमर थाना क्षेत्र के करहिया स्थित यूनियन बैंक के पास गुरुवार की दोपहर बाइक की टक्कर से एक वृद्धा की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक बाइक सहित फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। जानकारी के अनुसार जमानिया कोतवाली क्षेत्र के बकैनिया निवासी स्वामीनाथ की पत्नी शारदा देवी आज पैसा निकालने के लिए ताड़ीघाट 12 मार्ग पर स्थित यूनियन बैंक की शाखा करहिया गई हुई थी। पैसा उतारने के बाद दोपहर में घर लौट रही थी। इस दौरान तेज रफ्तार बाइक से टक्कर हो गई जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गई। दुर्घटना के बाद चालक बाइक सहित फरार हो गया। जब तक लोग वृद्धा को उपचार के लिए अस्पताल ले जाते तब तक उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस के साथ ही परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए। इस संबंध में गहमर कोतवाल अनिल कुमार पांडे ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तहरीर मिलने पर आगे कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। शासन के मंशा के अनुरूप गरीबों को उनके गांव में ही स्थित उचित दर की दुकानों से सस्ते दर पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह द्वारा बार बार दिया जा रहा था। बावजूद इसके तहसील सैदपुर एवं तहसील जमानिया में 4-4 उचित दर की दुकानें 2 माह से अधिक समय से रिक्त हैं। इसमें तहसील सैदपुर में ग्राम पंचायत गौरी, ग्राम पंचायत सोनियापार, विकासखंड सादात में दलीपराय पट्टी, विकासखंड देवकली में महुलिया, तहसील जमानिया में ग्राम पंचायत रघुनाथपुर, ग्राम पंचायत महली, ढड़नी भानमल राय एवं विकासखंड रेवतीपुर के ग्राम पंचायत मदनीपुर की उचित दर की दुकानें 2 माह से अधिक समय से रिक्त होने पर DM ने नाराजगी व्यक्त की। रिक्त दुकानों की कार्यवाही पूर्ण किए जाने तक उप जिलाधिकारी सैदपुर विक्रम सिंह, उप जिलाधिकारी जमानिया शैलेंद्र प्रताप सिंह, पूर्ति निरीक्षक देवकली विजय कुमार, पूर्ति निरीक्षक सैदपुर परवेज असलम खान एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी जमानिया मनोज कुमार सिंह का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।